नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश खंबायत है। मैं वर्तमान में संयुक्त निदेशक के पद पर हूँ पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो भोपाल में स्थापित है, वहाँ पर मैं संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य करता हूँ। सबसे पहले आज जो हमारी एक चर्चा है कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जो कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके संबंध में आज हम लोग एक परिचर्चा यहाँ पर रखी हुई है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे साथ और मेरे दो साथी हैं, डॉक्टर विनय स्वरूप मेहरोत्रा, नमस्कार, जो प्रोफेसर और हेड है हमारे संस्थान में, और मेरे साथ और मेरे एक सीनियर कलीग है डॉक्टर आर के पाठक, नमस्कार, वो भी जो है मेरे साथ PSSCIB भोपाल में कार्यरत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है पूरे विश्व में एक 5वें नंबर पर हमारी एक आर्थिक व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है। इस आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है कि जहाँ हमारी जो लोक संख्या है उसमें सबसे बड़ी लोक संख्या की जो भागीदारी है वो हमारी युवाओं की है। भारत एक ऐसा प्रदेश है पूरे विश्व में जहाँ सबसे बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी है। इन युवाओं की भागीदारी को और सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई सारे प्रयोजन किए जा रहे हैं, कई सारी योजनाएं बनाई जा रही है, और जैसा आप जानते हैं कि स्किल इंडिया के तहत काफ़ी मजबूती के साथ इन युवाओं को कौशल्य आधारित शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। इसी परिदृश्य में जो है हम चाहते हैं कि ये पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जो है स्कूलों तक पहुँचाई जाए, और क्लास 6 से लेकर क्लास 8वीं के जो विद्यार्थी हैं अक्रॉस इंडिया, उनको जो है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। चलिए आज जानते हैं कि ये पूर्व व्यावसायिक शिक्षा होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसे किस तरह से हम सुचालित कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मेहरोत्रा सर को, क्या आप थोड़ा सा विस्तार से हमको बताएं कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा होती क्या है। जैसा आपने कहा कि युवाओं को हमें व्यावसायिक शिक्षा देनी है जिससे कि हम उनको इतना सक्षम बना सकें, ऐसे कौशल दे सकें कि वो आगे चल के अपना या तो खुद का रोज़गार स्थापित कर सकें या उनको नौकरी मिलने में आसानी हो। तो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का जो महत्व है वो ये है कि 6ठी 7वीं 8वीं में जब बच्चे आते हैं तो उनको ऐसी हम शिक्षा दें जिससे कि उनको कार्य आधारित जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर करें, और उससे उनको ये समझ में आए कि वर्ल्ड ऑफ वर्क में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो जाके उस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, और उनको ये भी ज्ञान होगा कि बाहर ऑक्यूपेशंस कितने अवेलेबल हैं, किस तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं, और स्किल्स किस तरह के चाहिए इंडस्ट्री में, इस तरह का एक्सपोजर होगा। दूसरा इसका ये महत्व है कि अभी तक हम इसको वर्क एक्सपीरियंस या SUPW के रूप में चलाते आ रहे थे जिसे हम सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क के रूप में जानते हैं, लेकिन उसमें क्या था, वो स्टैंड अलोन था, मतलब अलग से पढ़ाई जाती थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि 6ठी 7वीं 8वीं में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। तो जो जनरल एजुकेशन के टीचर्स हैं, जो सामान्य शिक्षा के जो शिक्षक हैं, वही इसी को इसको पढ़ाएंगे। तो जिससे क्या है कि हम ज्ञान को कौशल के साथ जोड़ने में सक्सेसफुल होंगे, और उससे टीचर्स का भी थोड़ा सा एक्सपोजर होगा कि उनको ये पता लगेगा कि किस तरह के जॉब्स या स्किल्स जो चाहिए है इंडस्ट्री में या वर्ल्ड ऑफ वर्क में, उसके बारे में भी उनका ज्ञान बढ़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान रखकर ये मॉड्यूल हमने बनाया है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। इस मॉड्यूल को आप देखेंगे कि इसमें आपको वर्क बेस्ड एजुकेशन का जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है पिछले कई सालों में उसके बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी, इसमें स्किल डेवलपमेंट के बारे में विशेष तौर पे जानकारी दी जाएगी, और साथ साथ ये मॉड्यूल आपको बताएगा कि कैसे रोज़मर्रा की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जैसे टीचिंग लर्निंग जो हम करते हैं उसमें व्यावसायिक शिक्षा को कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि जो है बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकेंगे। मुझे लगता है कि जब हम पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो इसको
जो रोज़मर्रा की हमारी जो पढ़ाई लिखाई होगी उसमें एक शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो एक शिक्षक के नाते उसको किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस तरह की मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए हम पाठक सर से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप थोड़ा सा इसमें बता सकते हैं कि एक थोड़ी देर एक एग्रीकल्चर के बारे में अगर जानकारी शिक्षक साझा करना चाहता है अपने विद्यार्थियों के साथ तो कैसे कर सकता है, क्या प्रणाली अपनाना चाहिए? हाँ सर, जैसे प्रोफेसर मेहरोत्रा जी बता रहे थे कि ये जो शिक्षा है, जो सामान्य शिक्षा दी जा रही है, उसी के साथ साथ हम ये व्यवसाय शिक्षा का भी कंपोनेंट है जो भाग है उसको संचालित करेंगे। तो सर, जो हमारे जो रूटीन में जो सामान्य सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस में हम वनस्पति विज्ञान पढ़ाते हैं और उसके अंतर्गत हम डिफरेंट तरह की चीज़ें, जैसे आपका हमने कहा कि प्लांट्स पौधे हैं और उनके पार्ट्स क्या हैं और उनके भाग क्या हैं पौधों के, उनके बारे में बताते हैं सर। तो अब ये जैसे हम बता रहे होते हैं, ये पत्ती है, ये जड़ है, ये तना है और इसका क्या रोल है, और ये एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री, ये तरह की चीज़ें हम बताते हैं। अब साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं बच्चों को कि जिसमें हम स्किल का जो हुनर का जो पार्ट है उसको हम उससे जोड़ सकते हैं, उसे हम बता सकते हैं सर कि आप इन पार्ट्स को कहाँ कहाँ प्रवर्धन में या प्रोपोगेशन कहते हैं प्रवर्धन में उपयोग कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियों के द्वारा हम प्रवर्धन कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके हम तने के द्वारा हम, जैसे रोज है, गुलाब कहते हैं हम, गुड़हल कहते हैं, चमेली, चांदनी, और पौधे ऐसे हैं जिनकी हम सिर्फ कटिंग लगा के, तो हम बच्चे को तने के बारे में बता रहे हैं उस तने का उपयोग या शाखाओं का उपयोग हम उसको प्रवर्धन में या प्रोपोगेशन में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे ही सर बहुत से जड़ें होते पौधे हैं जिनका जड़ के द्वारा होता है। तो ये पौधे के अब सामान्य शिक्षा के साथ साथ हमने ये स्किल का कंपोनेंट बता दिया बच्चे को, तो बच्चे को दो चीज़ें पता लग गई और साथ साथ उसका ये एक्सपोजर होगा कि इन पौधों को प्रोपोगेशन के बाद हम क्या अर्निंग कर सकते हैं। तो वो नर्सरी का इसमें कंसेप्ट जोड़ सकते हैं कि नर्सरी, जैसे बच्चे नर्सरी में जाते हैं, बाहर से पौधे खरीदते हैं हम लोग, बाहर जाते हैं, तो ये सब इन्हीं की विधियों के द्वारा पौधे हम विकसित करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं सर। ऐसी सर दूसरा एग्जाम्पल फूड साइंस में हम बताते हैं कि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको प्रोटीन युक्त हेल्दी आहार लेना है आपका स्वास्थ्य के लिए, तो हम कहते हैं स्प्राउट्स प्रिपेयर करिए आप। तो स्प्राउट्स का मतलब है कि जो जर्मिनेटेड ग्रेन्स होते हैं, जो अंकुरित बीज होते हैं, तो उनका हम यूज करते हैं। तो अंकुरण का मतलब सीधा सीधा जर्मिनेशन से है, तो हम बच्चे को वहाँ बता सकते हैं यहाँ क्यों खाने के लिए हम अंकुरित बीज यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेटेड है जर्मिनेशन से सर। अच्छा जर्मिनेशन होगा तो अच्छा अंकुरित बीज और अच्छी डिश भी तैयार होगी सर। अब साथ उसमें हम बता सकते हैं बच्चियों को अंकुरण के साथ साथ उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन आ जाते हैं, तो हेल्थ एंड हाइजीन की बात है उसमें। तो ये जो स्वस्थ सीड होगा जो हम यूज कर रहे होते हैं उनमें इस तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं या जो फंगस होता लग जाता है, जो सड़ जाता है और जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो साथ साथ हम जर्मिनेशन पर परसेंटेज बता सकते हैं बच्चों को, 100 सीड आपने उसमें डाले हैं तो कितने सीड का जर्मिनेशन हुआ, तो बता सकता है कि साहब उसमें काउंटिंग भी आ जाएगी और साथ साथ ये भी आ जाएगा उसमें कि कैसे जर्मिनेशन होता है। फिर उसमें और भी चीज़ें जोड़ना चाहें तो और एक्टिविटीज हम बढ़ा सकते हैं सर। जर्मिनेशन में सर ये पत्ती कहाँ से शुरू होती है और जड़ कहाँ से, ये प्लूमूल और रेडिकल की बात होती है या जड़ और तना होता है, तो कैसे बनता है सर जर्मिनेशन में, तो ये सब ये पौधा जाएगा, ये तना बनेगा, पत्तियाँ निकलेंगी, इस पोर्शन से जड़ बनेगी, विकसित होगी। तो ये स्टेज पे करता है कि अच्छा 6 का बच्चा है, 7 का बच्चा, 8 का बच्चा है, उसी हिसाब से इन चीज़ों को हम बहुत तरह से हम जोड़ सकते हैं। और तो और मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब पत्ती है तो उसे ये पत्ती का उपयोग करते हैं, ये तो हमने बॉटनी बता दी सर। अब हम पत्ती से खाद बना सकते हैं, ये भी जोड़ सकते हैं, जैसे ग्रीन मैन्योर है, हरी खाद के बारे में बात करते हैं सर। तो जैसे हम बताते हैं कि कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम हरी खाद के लिए बनाते हैं, तो उनके भी जड़ तना पत्ती किसमें यूज होते हैं, हरी खाद में है। अब हरी खाद से क्या होता है कि ऑर्गेनिक हमें मटेरियल मिलता है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं जो खेती में खेती बाड़ी के लिए अच्छे होते हैं, अपनी बागवानी के लिए। और ऐसी जो गतिविधियाँ हैं, कार्यविद हैं, ये हम घर में भी कर सकते हैं सर, ये ज़रूरी नहीं इसके लिए स्कूल में बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, मान लीजिए एक भाषा का शिक्षक है, क्या आप बता सकते हैं कि एक भाषा का शिक्षक या गणित का शिक्षक या एक फिजिक्स का शिक्षक कैसे अपने रोज़मर्रा की टीचिंग लर्निंग में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जा सकता है? जैसे हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज टीचर्स होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, वो पढ़ाते हैं इतने साल से, लेकिन बच्चों में वो
संप्रेषण कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे हम कहते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। तो हमें ज़रूरी है कि हम एक्टिविटीज़ कराएं स्कूलों में, अच्छा, जैसे कि रोल प्लेज होते हैं। तो उससे क्या होगा, जब बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे या कुछ रोल प्लेस करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या संप्रेषण कौशल जो है वो बेहतर होगा। तो ये इस तरह से लैंग्वेज टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। उस तरह अगर हम देखें जैसे साइंस टीचर है, अब साइंस टीचर क्या कर सकता है कि लाइट के बारे में अगर पढ़ा रहा है तो वो बच्चों को लैंप बनाना सिखाए। तो उससे लैंप बनाने से क्या, उसको बच्चे को ये समझ में आएगा कि आगे चल के ये भी एक ऐसा व्यवसाय है जिसको मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ और इसके इसके साथ साथ मैं और भी कई एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकता हूँ जिससे मेरा व्यवसाय की वृद्धि होगी। तो बेसिकली जो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें दिमाग, हाथ और हृदय, ये तीनों को जोड़ना है। तो अगर हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को लेते हैं 6 से 8 की शिक्षा में, जो क्लासेस हमारी कक्षा 6 से 8 की जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये तीनों चीज़ें समावेश हो पाएंगी जो हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, उसको हम क्रियान्वयन कर पाएंगे और आगे चल के बच्चों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। जैसे उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी वैल्यू इनकल्केशन होगा, उनको ये समझ में आएगा कि हमें ये सब करने से, हाथ से करने से हम डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा रिस्पेक्ट फॉर वर्क की जो बात करते हैं हम, एनवायरनमेंट के प्रति जो हमें हमारा दायित्व है वो भी समझ में आएगा। तो इसलिए ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमें 6 से 8 कक्षा में करवानी चाहिए। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो व्यावसायिक शिक्षा है इसका एक विद्यार्थी के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, पर्टिकुलरली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में विकसित करने में जो है व्यावसायिक शिक्षा बहुत हद तक जो है मददगार हो सकती है। मैं चाहूँगा कि एक शिक्षक होने के नाते आप उनको क्या ऐसे सुझाव देना चाहेंगे शिक्षकों को कि जिसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में या उसको स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने में शिक्षकों को बहुत आसानी होगी, कुछ आपके सुझाव होंगे पाठक सर कैसे किया जाए इसके बारे में? सर अभी हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, जनरल हम बात करते हैं जब शिक्षक से पूछते हैं अपने अनुभव के आधार पर तो कहते हैं सर एग्रीकल्चर तो अच्छी चीज़ है लेकिन हमारे पास जगह के अभाव है, सर हमारे पास इतना फील्ड नहीं है, इतना बड़ा फील्ड नहीं है जिसमें हम ये काम कर सकें। तो हम सुझाव देते हैं कि आप जैसे गमले हैं, गमले में आप पौधे लगाएंगे तो वही एक्टिविटी जो फील्ड पर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट है, 50 गमलों में 50 तरह के पौधे लगाए, उन बच्चों में केयरिंग भाव का डेवलपमेंट होता है। तो केयरिंग में सर क्या होता है कि जैसे बच्चे पानी देंगे उसमें, उसकी ग्रोथ देखेंगे और सब चीज़ें देखेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं क्या हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये टीचर के कमिटमेंट है कि आपको जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना जाने आप। बहुत बढ़िया, हाँ हम ये निर्भर नहीं रहेंगे कि ये चीज़ होगी तब ये काम हम कर पाएंगे सर, जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम सदुपयोग करें। और दूसरी बात कमिटमेंट की बात है कि हम अपना जो काम हमें मिला हुआ है उसमें, उसके लिए हमें टीचर के लिए जो अभी मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि हम उन्हें उनका उन्मुखीकरण करें, उनको ओरिएंट करें और उनके बारे में व्यवसाय शिक्षा के महत्व तो है और उसका कैसे हम उसका सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं बताएं। तो ये सब चीज़ें उनके लिए नेचुरली हेल्पफुल होंगी, सहयोग होंगी करेंगे सर। आप भी कुछ संक्षिप्त में कुछ अपने सुझाव देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि हमारे शिक्षकों को प्लानिंग करनी चाहिए कि पूरे साल में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराएंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं कराएंगे, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ाएं, वो स्किल्स के ऊपर भी फोकस करें और उसके लिए उनको ढेर सारी एक्टिविटीज़ की तैयारी करनी चाहिए कि साल भर वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराएंगे जिससे बच्चों में जिस तरह की लर्निंग होनी चाहिए, कौशल का विकास हो सकता है जिन जिन एरियाज़ में, उनको आइडेंटिफाई करें। लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं ये सब हम समझते हैं, बट इनिशिएटिव अगर वो लेते हैं तो वो आगे चल के बहुत कुछ बच्चों के लिए कर सकते हैं। जैसा मैं उदाहरण दूंगा कि अगर हम छोटी सी नर्सरी एक अपने स्कूल में स्थापित करें तो बच्चों को शुरू से ही पता लगेगा कि सॉइल क्या है, सीड कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, सीड प्रोक्योर करने के बाद कैसे जर्मिनेशन होता है जैसे डॉक्टर पाठक बता रहे थे, उसके बाद जब पौधे तैयार होते हैं तो हम उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, किसको बेचेंगे, कौन हमारा कस्टमर होगा, उसके बाद अगर हम बेचते हैं तो हमें पैसे मिलेंगे, तो
तो हम उन पैसों को कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे दोबारा से अपनी नर्सरी में, और फिर हम अपनी नर्सरी एक्सपैंड करेंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केटिंग स्किल्स भी बच्चों में आएंगी, तो वो हमें करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे या वोकेशनल स्किल्स पे फोकस ना करके हम बच्चों में बिजनेस स्किल्स भी लेके आए, तभी हमारे यहाँ बच्चे उद्यम या उद्यमिता विकास के द्वारा उद्यम बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। और अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनना है तो उनमें इस तरह की पढ़ाई या हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा रोल हमारे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में बड़ा काम कारगर हो सकती है। और आपने आज भी देखा कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो है एक शिक्षक अपनी रोज़ के क्लासरूम टीचिंग में जो है व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जा सकता है। मुझे अब पूरी उम्मीद है कि इन सब गतिविधियों से अगर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को लाभान्वित करता है तो वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं कि जब हमारा भारत जो है एक विकसित देश होगा। दोस्तों, मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो है, इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा में कई सारे पाठ्यक्रम विकसित किए हैं, कई सारे किताबें डेवलप की है व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। और मैं अपेक्षा करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी वेबसाइट को ज़रूर देखते रहिए और विद्यार्थियों को आने वाले करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी इस माध्यम से बताएं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का जो मॉड्यूल है विद्यार्थियों को ना केवल व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताएगा लेकिन उनका एक सोशल डेवलपमेंट, उनका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी साथ साथ मदद करेगा। और साथ साथ में फर्दर करियर एजुकेशन क्या करना है, कौन सा करियर मुझे चूज़ करना है, इसमें भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका ये प्री वोकेशनल मॉड्यूल हमारा कर सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं इसी मौके पर अपने पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर और अपने सुझाव दिए उन्होंने, और आशा करता हूँ कि ये पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का मॉड्यूल हम बहुत अच्छे ढंग से हमारे देश में अलग अलग स्कूलों में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।